Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 7 Science Students, Lecture Number 40. Unit Number 5 is here and we are going to discuss the topic, the Aneroid Barometer. आज हमने जो है barometer की type है, Aneroid Barometer, उसको discuss करना है. Previous lecture में हमने 14 barometer को discuss किया था. आज हमारे पास आ जाना है Aneroid Barometer. Okay, so we are going to discuss about Aneroid barometer. So an aneroid barometer has an airtight metal chamber that is sensitive to changes in air pressure. Basically, इसका क्या काम होता है? इसने air pressure को measure करता है. तो इसके अंदर जो instrument है, वो बता रहे हैं आपको कि aneroid barometer क्या होता है. इसके अंदर एक airtight metal chamber होता है, जो कि air pressure के लिहाज से changes जो आती हैं, उसके लिए sensitive होता है. The thin walls of the chamber flex in and out as the air pressure changes, which causes the needle on the dial to move. Okay, you can see on your slide, if we will discuss about its parts, so at the upper side you can see pointer, spindle, lever and vacuum chamber. These are the all parts. Mercury barometer are not very suitable for carrying out because they are about a meter long and the mercury is easily spilled as well. Okay, the aneroid barometer does not have these defects since it is small and contains no liquid. So this is the difference between the mercury barometer and aneroid barometer. The instrument consists of a round box from which most of the air has been removed. The box is made up of थिन फ्लेक्सीबल मेटल. ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो जो बॉक्स है वो किससे? थिन और फ्लेक्सीबल मेटल से मिलकर बना होता है. एज द बॉक्स कंटेन अ पार्शियल वैक्यूम, एज यू कैन सी वैक्यूम चैम्बर, इट वाउंड कोलैप्सेस अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर. टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग अ फ्लैट स्प्रिंग, इट इज पुट इन साइड बॉक्स. When the pressure of the atmosphere is low, the box is pushed out slightly by the spring. अगर यहाँ पर बात हो रही है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर, चूंकि आपको पता है जो ये है हमारे पास एनरॉइड बैरोमीटर, इसने क्या करना है? एयर प्रेशर को मेजर करना है. इसने मापना है कितना जो है एयर प्रेशर नीडेड है, कितना हमें चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसने क्या करनी है? मेजर करनी है. तो जो स्लाइट भी चेंज आ जाता है, तो इसकी वजह से उसमें क्या होता है, पता चल जाता है. व्हेन द एयर प्रेशर इंक्रीजेस, द बॉक्स इज पुश्ड इन स्लाइटली. तो जो बॉक्स होता है वो पुश्ड इन हो जाता है, यानी अंदर की तरफ थोड़ा सा मूव कर जाता है. दिस इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मूवमेंट इज मैग्निफाइड बाय अ पॉइंटर. ओके, जो अंदर की और बाहर की इसकी मूवमेंट है, उसको हम मैग्निफाई कर सकते हैं एक पॉइंटर से, विच मूव्स ओवर अ सर्कुलर स्केल मार्क्ड इन सेंटीमीटर. सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि जिसके ऊपर क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है और उसको हमने मार्क किया होता है एज सेंटीमीटर. सो द बेसिक डिफरेंस आई डिस्कस यू अबाउट एनरॉइड बैरोमीटर एंड इन द मर्करी बैरोमीटर. सो दे आर नॉट वेरी सुटेबल फॉर कैरिंग अबाउट बिकॉज दे आर अ मीटर लॉन्ग, दैट इज द मर्करी बैरोमीटर. एंड द मर्करी इज इजली स्प्लिट एज वेल. सो एनरॉइड बैरोमीटर इज कंसिडर्ड द बेस्ट बैरोमीटर एज कम्पेयर टू मर्करी. अंडरस्टैंड, इसमें क्या था, थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि जो मर्करी से जो है इसको ज्यादा अच्छा समझा जाता है. और इसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक राउंड बॉक्स होता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा हम एयर को रिमूव कर देते हैं. द बॉक्स जो होता है वो थोड़ा सा थीन होता है एंड फ्लेक्सीबल मेटल से मिलकर बना होता है. बॉक्स के अंदर पार्शियल वैक्यूम होता है, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, और वो एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से कोलैप्स कर जाता है. इसलिए इस प्रोसेस से बचने के लिए एक फ्लैट स्प्रिंग जो होता है उसको हम बॉक्स के अंदर रखते हैं. व्हेन द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जब प्रेशर कम होने लगता है, बॉक्स को पुश करता है और स्प्रिंग जो है वो मूव कर जाता है. और एयर जैसे जैसे एयर प्रेशर बढ़ता है तो बॉक्स क्या है, अंदर की तरफ स्लाइटली पुश्ड इन हो जाता है. तो इस वजह से इसकी जो वर्किंग है इस तरह होती है. ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है. मिलते हैं कल विद न्यू टॉपिक. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.